हाय स्टूडेंट्स, चलिए आप देखते हैं हास्य रस। तो हास्य रस में क्या, इसका स्थायी भाव हास है। क्या है? हास। तो इसमें हंसी आएगी। तो इसमें क्या है, इसको परिभाषित कैसे करेंगे? हास नामक अस्थायी भाव, ठीक उसी प्रकार से देखिए, केवल अस्थायी भाव चेंज कर देना है। हास नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से हास रस की निष्पत्ति होती है। ठीक, कैसे कहेंगे? हास नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभव तथा संचारी भाव से क्या होता है, हास्य रस की निष्पत्ति होती है। अब ये कब उत्पन्न होता है? जब किसी व्यक्ति के विकृत रूप, है ना, किसी व्यक्ति के विकृत रूप को देख करके, या विचित्र वेशभूषा बनाया है ना, विचित्र वेशभूषा मतलब पैंट शर्ट इधर उधर से टेढ़ मेढ़ी इधर उधर है, तो आकार को देख करके ऐसा आकार बनाया हुआ इधर उधर, तो क्या होगा, जो भाव उत्पन्न होगा देख करके, तो वो क्या होगा, हास्य रस। ठीक, तो देखिए इसका उदाहरण क्या है, ऐसे भी परिभाषित करके आप उदाहरण लिखिए, क्या बहुत बढ़िया, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, याद रहेगा, इतना सरल उदाहरण है। हाथी जैसी देह और गैंडे जैसी चाल, हाथी जैसी देह है और गैंडे जैसी चाल है, तरबूजे जैसी खोपड़ी है और खरबूजे जैसे गाल है, है ना। तो ऐसे ऐसे रूप वाला व्यक्ति यदि दिखाई दे तो उसको देख करके कौन से भाव उत्पन्न होंगे, हास। ठीक है, तो जो अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहा है वो क्या है, हास। और इसके बाद विभाव क्या होता है, जिसके सहारे ये भाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें इस भाव को उत्पन्न करने के लिए कौन सहारा दे रहा है, उस व्यक्ति का विचित्र व्यक्ति है, विचित्र व्यक्ति को देख कर ही अस्थाई भाव आ रहा है ना, तो आलंबन क्या हो गया, विचित्र व्यक्ति हो गया। उद्दीपन मतलब उसको उद्दीप्त कौन कर रहा है, उसको बढ़ा चढ़ा कौन रहा है, उस अस्थाई भाव को और ज्यादा कौन बढ़ा रहा है, वो विचित्र आकार, उसका विचित्र आकार जो है वो क्या हो रहा है, उद्दीपन का कार्य कर रहा है। अनुभव क्या होगा, अनुभव मतलब जो हमारे अंदर वो उत्पन्न होगा, उसको देख करके जो भाव उत्पन्न होता है, वो जो स्पष्ट बाहर से दिखाई देता है वो क्या होता है, अनुभव यानी हंसना, उसको देख करके जब हंसेंगे तो वो भाव कौन सा होगा, हास, हास रस होगा। तो इसमें अनुभव कौन क्या है, हंसना, और संचारी भाव, इसको देख करके जो अंदर से भाव उत्पन्न होता है वो क्या होता है, संचारी भाव। तो अंदर से क्या हो रहा है, हर्ष हो रहा है, चपलता शरारत आ रही है मन में, ऐसे व्यक्ति को देख करके ढेलाई मार दे, है ना, तो ये क्या है, हास्य रस। ठीक, चलिए बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।